Hello everyone, it's my friend Vishal. Welcome to the lecture. First, today's topic is arrange C program. If you like this video, then please like, subscribe my channel for more videos. So friends, और एक वीडियो के साथ मैं आ गया हूँ आज आपके साथ. तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि टू डायमेंशनल एरे क्या होता है, इसका सिंटेक्स कैसे लिखा जाता है और एक कंप्यूटर की मेमोरी में किस तरह स्टोर होता है, और एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे. तो फ्रेंड्स, मैंने वन डायमेंशनल के ऊपर एक वीडियो बना दिया है, तो आप वो वीडियो को पहले जाके देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि वो सब कैसे जाके कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होता है. तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि टू डायमेंशनल एरे क्या होता है, ठीक है फ्रेंड्स. और आप इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड्स, तभी आपको ये वीडियो समझ में आने वाला है. फ्रेंड्स, चलिए बिना देरी किए आज का जो वीडियो है, जो हम लोग का टॉपिक है टू डायमेंशनल एरे, उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं. चल, आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कर दो और नीचे जाके कमेंट भी कर देना, और हाँ, प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलो. तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर. तो हम लोग यहाँ पे फ्रेंड्स पहले बात करेंगे कि टू डायमेंशनल एरे क्या होता है. तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको एरे के ऊपर में बताया था मैंने कि एरे टू टाइप थ्री टाइप्स के होते हैं, वो वन डायमेंशनल एरे, टू डायमेंशनल एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे, ठीक है फ्रेंड्स. तो मैंने वन डायमेंशनल के ऊपर वीडियो बना दिया है, आप उसको जाइए और उस वीडियो को देखिए. तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है हम लोग का टू डायमेंशनल एरे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि टू डायमेंशनल एरे क्या होता है. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कुछ लिखा है कि टू सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल्स इज रेफर टू टू डायमेंशनल एरे और मैट्रिक्स, जिसमें क्या होता है फ्रेंड्स, सब्सक्रिप्ट की संख्या एक से ज्यादा होती है या दो होती है, उसमें हम लोग टू डायमेंशनल एरे यूज करते हैं. और फ्रेंड्स, वन डायमेंशनल एरे में क्या था, जहां सब्सक्रिप्ट की संख्या सिर्फ एक होती है वहां पे हम वन डायमेंशनल एरे यूज करते हैं. तो फ्रेंड्स, जैसे कि टू डायमेंशनल एरे को टू डी एरे भी कहा जाता है, मैट्रिक्स भी कहा जाता है और टू डायमेंशनल एरे भी कहा जाता है. तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग इसको सिंटेक्स के रूप में इसको समझने की कोशिश करते हैं. फ्रेंड्स, इसका सिंटेक्स कैसे होता है, पहले आ जाता है डाटा टाइप्स. डाटा टाइप्स मतलब मैंने बताया था कि आपको वहां पे कौन सा आप डाटा को स्टोर करवाना चाहते हैं, वो इन टाइप का है, फ्लो टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, वो किस टाइप का है. तो एरे नेम क्या हो जाता है फ्रेंड्स, जो एरे नाम वो हो जाता है जिसको मतलब सी कंपाइलर समझता है. जैसे कि आप कोई भी एक नाम, जैसे कि आप कोई नॉर्मल वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो उसका भी नाम देते हैं, तो सेम आप इसी तरह उसका इसका भी किसी कोई भी नाम दे सकते हैं आप यहाँ पे. और फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सब्सक्रिप्ट की संख्या दो है, तो दो सब्सक्रिप्ट की जब संख्या होती है तो जो पहला सब्सक्रिप्ट में आ जाता है जो रो नंबर्स होता है, और सेकंड जो होता है वहां पे कॉलम नंबर हो जाता है. तो फ्रेंड्स, ये आ जाता है मैट्रिक्स के रूप में, ठीक है फ्रेंड्स. तो यहाँ पे फ्रेंड्स इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, मैंने दे के रखा है यहाँ पे इंट हो गया डाटा टाइप, एरे नेम हो गया सब्जेक्ट, उसका रो हो गया थ्री और इसका कॉलम हो गया फाइव. तो फ्रेंड्स, इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. तो चलिए हम लोग. तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कुछ ड्रॉ करके रखा है, एक डायग्राम टाइप आप यहाँ पे समझ सकते हैं. तो फ्रेंड्स, टू डी एरे में यहाँ पे मैंने कहा था ये मैट्रिक्स की तरह यूज होता है, कंप्यूटर की मेमोरी में जाके स्टोर होता है मैट्रिक्स के थ्रू, ठीक है फ्रेंड्स. तो अब मैंने आपको बताया था कि जो एरे होता है उसका जो इंडेक्स होता है वो हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है फ्रेंड्स. तो यहाँ पे जितना भी मैंने रेड से मतलब लिखा है वो सारा रो है, ठीक है फ्रेंड्स. तो अगर मान लीजिए, सपोज दैट हम लोग एग्जाम्पल ही देखते हैं, तो वहां मैंने वहां पे दिया था रो नंबर्स जो था वो थ्री था और जो आपका जो कॉलम्स नंबर था वो फाइव था. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रो नंबर्स था वो थ्री था तो यहाँ पे टू आया है. क्यों? क्योंकि ये जीरो से स्टार्ट होता है, तो इसलिए जो इसकी जो सब्सक्रिप्ट की संख्या होती है वो एक कम हो जाती है. सेम इसी तरह कॉलम में होता है, जहाँ पे वो भी जीरो से स्टार्ट होता है, तो इसीलिए यहाँ पे इसका जो कॉलम नंबर था वो फाइव था, तो यहाँ पे इसका जो जीरो से स्टार्ट हुआ तो इसका कॉलम नंबर यहाँ पे आके कम हो गया, जो फोर तक हो गया, ठीक है फ्रेंड्स. तो अभी हम लोग समझते हैं कि कंप्यूटर की मेमोरी में जाके किस तरह स्टोर होता है. फ्रेंड्स, अगर आपने कभी मैट्रिक्स पढ़ा होगा तो वहाँ पे सेम है, उसी तरह है, मैट्रिक्स के टाइप में ही है, पहले रो और यहाँ पे कॉलम नंबर साथ में जॉइंट होता है यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितना मैंने रेड से लिखा है ये क्या है, रो है, और जितना ब्लू से लिखा है मैंने ये सब क्या है, कॉलम्स, ठीक है फ्रेंड्स. तो ए में यहाँ पे क्या आ जा रहा है, ए के सब्सक्रिप्ट में पहले आ जाता है रो जो जीरो है इसका ये, और कॉलम आ जाता है फ्रेंड्स इसका जो ये है जीरो, ये आ जाता है. सेम इसी टाइप में भी फिर सेकंड में आ जाता है इसका जो रो है वो आ जाता है जीरो, कॉलम है वन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं. यहाँ पे जो फिर थर्ड में आ जाता है फ्रेंड्स इसका जो रो है वो जीरो है और कॉलम
टू है, तो फ्रेंड्स ऐसा ही करके सारे कंप्यूटर की मेमोरी में जाके स्टोर होता है। यहाँ पे भी आप देखिए नीचे आ जाइए सेकंड में, यहाँ पे रो की संख्या क्या है 1 है और कॉलम की संख्या क्या है 0 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे ही करके यहाँ पे भी है रो की संख्या 1 है और कॉलम की संख्या 1 है। तो यहाँ पे भी फिर से फ्रेंड्स रो की संख्या 1 है और कॉलम की संख्या 2 है। तो ये इसी तरह करके जाके कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होता है फ्रेंड्स। अगर आपको यहाँ पे सपोज दैट इसमें आपका जो एलिमेंट्स है उसको प्रिंट आउट करवाना है तो इसका सिंटेक्स कैसे होगा फ्रेंड्स, इंट और जो तो एरे नेम हो जाता है, एरे नेम आता है फ्रेंड्स, उसके बाद आ देगा फ्रेंड्स आपका जो रो नंबर और कॉलम नंबर, उसके बाद सेमी कॉलन। ठीक है फ्रेंड्स, तो वहां पे आप मतलब यूजर से आप आसानी से आप कंप्यूटर की मतलब उसमें कौन सा एलिमेंट स्टोर है वो आप प्रिंट करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज यार वीडियो पसंद आया है तो प्लीज यार लाइक कर दो, क्योंकि आजकल लाइक नहीं आता है यार, इतना मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए कि आप कुछ सीख पाए। तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दो और नीचे जाकर कमेंट करो कि आप मेरे चैनल पे किस टाइप के वीडियो चाहते हैं, मैं आपको उसी टाइप का वीडियो दूंगा। और आपका जो भी कुछ क्वेश्चन है मुझे नीचे दिए गए इंस्टाग्राम के लिंक पे जाके हमको फॉलो कीजिए, और आपका जो भी क्वेश्चन है आप मुझे वहां पे पूछिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मैं अच्छी तरह से समझा पाऊँ। तो फ्रेंड्स आज के लिए टाटा बाय।